करियर में ग्रोथ कैसे होगी, हम कैसे अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम शुरू से चाहते हैं। हम हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं, अपना टाइम निकालते रहते हैं। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग सम अमेजिंग वंडरफुल टिप्स टू एडवांस योर करियर। Hi, welcome back to the channel and don't forget to subscribe it and watch this video till the end. एक अच्छा करियर हम तभी बना सकते हैं जब हम उसके लिए कुछ अच्छे प्लान्स बनाएं, क्योंकि अभी तक we have wasted our time सिर्फ सोचने में। इसलिए इस टाइम हमें सोचने में अपना टाइम नहीं निकालना, हमें उसके लिए कुछ प्लान्स बनाने हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और अपने करियर को अच्छा बना पाएंगे। और आपको पता है, बिना प्लान के हम किसी एक डायरेक्शन में नहीं पहुंचते, क्योंकि हम अपने डायरेक्शन से ही डाइवर्ट होते रहते हैं। और एक अच्छे प्लान के साथ हम अपना एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं जो हमें हमारे सही डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। सो बिगिन विद पॉइंट नंबर 1, थिंक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ करियर ग्रोथ और सक्सेस। सोचो कि आपके लिए आपकी करियर अचीवमेंट या करियर ग्रोथ क्या है, क्योंकि हम सबके पास करियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का कुछ ना कुछ डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन में कोई राइट और रॉन्ग डेफिनेशन नहीं है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। ये सिर्फ हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है कि हम जिसको अपना सेल्फ ग्रोथ या करियर ग्रोथ या एक सक्सेस की तरह ले रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, सिर्फ ये रियलाइज करना। और जब आपको इसका आंसर मिल जाए तो सोचो कि ये चीज आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और आप अपने फ्यूचर को कैसे इमेजिन कर रहे हो, कैसे देख रहे हो। थिंकिंग लॉन्ग टर्म विल हेल्प अस डिफाइन बेस्ट वर्जन ऑफ सक्सेस। नंबर 2, क्रिएट अ प्लान। सो जल्दी से टेक अ पेन एंड पेपर। मैं यहाँ सेलफोन लेने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब भी हम फोन उठाते हैं तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं, और जो काम हम करने के लिए मेनली फोन चलाते हैं वो तो होता नहीं है, लेकिन हम दूसरी एप्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। सो अब पेपर पर पेन की हेल्प से एक फ्लो चार्ट बनाओ, और उस पेज पर अपने आप को इंडिकेट करो कि एट प्रेजेंट और करंटली आप अभी किस स्टेज पर हैं अपनी लाइफ की, और अब से 5-10 ईयर्स बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और हर एक ईयर को फिल करो विद टाइटल एंड पोजिशन जो आप चाहते हैं अचीव करना। ट्राई करो कि इस रोड मैप को जो आपने अभी बनाया है, इसको हमेशा अपने आसपास रखो, मतलब हैंडी रखो, क्योंकि जब भी आप इसको अपने आसपास देखेंगे ना, ये आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है या नेक्स्ट फ्यू इयर्स के आपके क्या प्लान है, आपको कहाँ तक जाना है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, सेट योर गोल्स एंड टाइमलाइन। व्हाई? बिकॉज टाइमलाइन सेट किया तो गोल्स को अचीव करना इजी हो जाता है और गोल्स अचीव भी हो जाते हैं। और सेम इसी तरह गोल को अचीव करना है तो उसके लिए टाइमलाइन सेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम चीजों की तरफ ज्यादा सीरियसनेस दिखाते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, और सक्सेस अचीव कर पाना भी पॉसिबल लगने लगता है। बार बार अपने टारगेट के बारे में सोचना, बार बार हमें कहाँ पहुँचना है लाइफ में इसके बारे में सोचकर हम उस चीज के टुवर्ड्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उसके लिए ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उसी तरह जब हम टाइमलाइन सेट कर लेते हैं तो हम अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं, हम अपने आप को ऑन ट्रैक रखते हैं, हमें पता होता है कि अभी हम जब ये कर रहे हैं तो नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद हमें ये कब रोकना है या हमारी डेडलाइन कब है इस चीज की। और अब जो आपने रोड मैप बनाया है उसको देखो, और यही एक्चुअल में आपका एक करियर ग्रोथ प्लान है, और उन्हें आप अचीव कर सकते हो बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो भी चीज आपके करियर एडवांसमेंट में हेल्प कर सकती है उन चीजों को ट्राई करो, कुछ नई चीजें, नई स्किल्स सीखो। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है या कोई चीज है जो आप अभी तक, अगर आपको कुछ अचीव करना है उसके लिए अभी भी वहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान दो और उस पर और ट्राई करके प्रैक्टिस करके अपने आप को अच्छा बनाओ। बाकी गोल सेटिंग के बारे में और जानने के लिए यू कैन चेक आउट माय वीडियो व्हिच इज देयर ऑन यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लास्ट एंड फोर्थ,
ऑलवेज बी ओपन फॉर फीडबैक। फीडबैक बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रोग्रेस को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए, और इससे हमें अपनी डायरेक्शन का भी पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ हैं, किस स्टेज पर है, या हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जो हमें अचीव करना है उसके राइट पाथ पर है, सब सही चल रहा है या नहीं, हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इन केस कहीं मिस्टेक हो रही है तो हाउ कैन आई इम्प्रूव दैट। गोल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे ऑफिस में हायर पोजीशन या क्लास में गुड परफॉर्म करना, या फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना। तो इस तरह के गोल्स के लिए हमें फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम मंथली फीडबैक डेट स्केड्यूल कर सकते हैं विद समवन जिनका हमें पता है कि ये डे टू डे लाइफ में हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और ये पर्सन हमें एक जेन्युइन फीडबैक दे सकता है। यू कैन आस्क देम अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इन द एंड अपने आप से अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछना मत भूलना, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम दूसरों से अपने बारे में फीडबैक ले रहे हैं तो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बारे में अपने आप से क्या सोचते हैं या हमें क्या रियलाइज हो रहा है अपने बारे में। नाउ आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और ये आपको हेल्प करे आपके करियर एडवांसमेंट में, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ यू विश टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, गो एंड चेक इट आउट। फॉर नाउ बाय बाय एंड टेक केयर।